बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल मरियम नाज ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है वो दलीम बनाने के हवाले से है, न्याज के हवाले से है, क्योंकि 10 मुहर्रम को ख़त्म दिलाना होता है, चीज़ बांटनी होती है या घरों में तकसीम करनी होती है हमने, तो इसलिए हमने थोड़ा सा हलीम बनाया है। जितनी अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी है, जिस हिसाब से दी है उस हिसाब से हमने किया है। बस अल्लाह ताला आपकी नीयतें देखते हैं। और मैं तकरीबन जो है ना रात से लगी हुई हूँ, रात का भी क्लिप बीच में ऐड करूंगी, इसको आप देखिएगा। और चले बनाते हैं दलीम, करते हैं तैयारी। ये जी शाम का क्लिप है, ठीक है। और ये दालें भिगोई हैं मैंने सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको रेस्ट दिया है, फिर पानी के अंदर डाला है, पतीले के अंदर डाला है। ये पतीला इतना वजनी हो गया था कि उठाया नहीं जा रहा था, फिर हस्बैंड से रिक्वेस्ट की, फिर साथ में वो दलिया था वो अलग से मैंने वॉश करके इसके अंदर डाला। तो ये बाकी जो सारी चीज़ें थी ये मैंने कहा था कि मैं बाद में डालूँगी, और बच्चे कह रहे थे कि मामा हम डालेंगे, तो मैंने कहा चलें आप डालें। लेकिन इस बात पे भी लड़ाई हो रही थी कि जो नमक मिर्ची थी ना, वो रोहान कह रहा था मैं डालूंगी, महनूर कह रही थी कि मैं डालूंगी। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इन दोनों में एक चीज़ बैलेंस की है और फिर ये मानने हैं। ये टमाटो हाँ रोहान में डालेगा ना। चलो अनूर आप ये दो चीजें डाल लो, आ जाओ जाएंगे ना डालो। बेटा ऐसे ऐसे थोड़ी डालते हैं। अब मिर्ची को कैसे डालना? इधर आगे 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 हाँ डाल दो। चलो ये मैं झाड़ दूंगी, हाँ डाल दो, खोली ना झाड़ देंगे। नहीं नहीं अभी मिक्स ना करो, अभी छोड़ दो, नहीं छोड़ दो अभी। अभी सिर्फ बॉयल होना है इसलिए। अनूर को मैंने दो चीज़ें डालने को दे दी, ये टमाटर और लहसुन अदरक हरी मिर्चें, ये चीज़ें डालने को दे दी, और हान को सिर्फ नमक मिर्चें डालने को दी। फिर कहीं जाके इनकी आपस में बात बनी, और ये फिर मैंने प्याज भी रात को ही फ्राई कर लिया था, मैंने कहा सुबह को मुझे इतना टाइम नहीं मिलना, ये सुबह का क्लिप है। और हस्बैंड भी चले गए थे और मैंने इसको ग्राइंड किया हलीम को, ये नहीं कहूँगी कि मैंने इनको घोटने से घोटा है, इसको ग्राइंड किया था। खैर अच्छा लगा? नहीं जैसे पहले कहा था, मैं इतना हूँ करके बहुत अच्छे जो जी छाला लाइक और सब्सक्राइब का भी बोल दे, इस तरह मुंह करके ना। थैंक यू। ये फिर जो गली में मोहल्ले में हमने अपनी में बांटने थे, तो उसको हमने ऐसे डिस्पोजिबल डिब्बों में कर लिया पैक, और साथ में थोड़ा सा इसके ऊपर जो प्याज मैंने ब्राउन किया था वो डाला, साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें जो थी वो मैंने काटी। फिर जल्दी जल्दी से मैंने कहा ये भी होनी चाहिए इनके अंदर, उसके बगैर तो खैर अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर मैंने वो भी थोड़ी सी काट के, तो लास्ट में मैंने फिर डाली थी। हाथों में इतनी ना जलन हो रही थी ना, इतनी तीखी थी हरी मिर्चें के बहुत मुश्किल से मेरे हाथ बाद में ठीक हुए थे। फिर ये सारा मेस था जो कि क्लीन अप करना था, और ये इन बच्चों की फूफो बांट रही है बाहर, और साथ में अम्मी भी हैं। और ये मैंने छोटा सा क्लिप बनाया, बच्चे घर से चले गए थे अबू के साथ, बाकी जो रिलेटिव्स थे उनके घर में देने के लिए। ये इतना मेस था, ये सारा क्लीन अप किया, धोया और फिर सफाई की। कब्रिस्तान भी गए थे? हाँ जी, कब्रिस्तान। दुआ मांगी? हाँ जी, एक कब्र देखी। क्या बताए, वो घर किसका था? वो ये कब्रिस्तान का घर था, और वो इसके बाद हम ना आने भी घर से, इसके बाद ना घर से। इसका मतलब आज काफी मजा किया भाई, बाइक पे चलें। ठीक है
ये जी बच्चे आज सारा दिन मौज करते रहे हैं अबू के साथ, सबके घर में दलीम दे के आए हैं और ये अपनी सारी मुझे बातें सारा दिन की बता रहे थे। फिर उसके बाद ही इतनी तेज़ बारिश आ गई है कि मुझे कह रहा था मामा मैंने नहाना है, मैंने कहा बेटा इतनी हब्स हुई है, और ये भी कह ही रहा था कि मैंने नहाना है, तो इसने इतने में ही ना बारिश जो थी ना वो ख़त्म हो गई। मैंने कहा चलें भी ठीक है अब बस करें अब नहाने का नाम ना लें क्योंकि बारिश ख़त्म हो चुकी हुई है। बस फिर इसी तरह से दोपहर को इनके बाबा भी घर आ गए थे खाना खाने के लिए, तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई, उसका भी छोटा सा क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया। बस आज सारा दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियात में गुजरा, दलीम बनाया, खैर जैसा भी बना मुझे तो अच्छा लगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बाबा ने हलीम नहीं था खाना, वो चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, चावल हमने बनाए नहीं थे, तो फिर चाय के साथ इनको ब्रेड के स्लाइस हमने दे दिए। और फिर जी इसी के साथ आप सब अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, जो भी नजर न्याज आप कर रहे हैं अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में कबूल मंजूर हो, आमीन। इसी के साथ जी मैं करती हूँ व्लॉग का इख्तिताम, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का जो कि आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अल्लाह हाफिज़।